हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें जल्दी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक चिकन ले ली है, इसको धो के और साफ़ करके इसका पानी निकाल दिया है। ये तकरीबन अगर आप मेजर करें तो ये 1 किलो होगी। अच्छा, इसमें प्याज जाएगी तकरीबन 3, मैंने छोटे साइज़ की प्याज ले ली है। एक बंच हरे धनिए का है, 1.5 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, आधा कप ऑयल है और ये बिल्कुल आखिर में जाएगा लेमन जूस, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है और आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 2 हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग के वक्त जाएगा। और ये जो मसाले हैं, इसमें नमक है तकरीबन 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ये कढ़ाई मसाला लिया है पैकेट वाला, और बाकी मैंने 8-10 जो हैं वो काली मिर्चें हैं और 3-4 जो हैं वो लौंगे हैं। तो हम आप कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर मैं सबसे पहले ऑयल ऐड करूंगी। और हम ये प्याज शामिल कर देंगे इसमें और प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन होगी हम इसको पकाएंगे। अब देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें अब चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक और फिर सारे बाकी के मसाले जो दिखाए थे वो भी सब डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये मसालों का स्मेल निकल जाए। ये देखिए अब मसाले सारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसको तेज़ आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि सारे टमाटर गल जाएं और इसको हम कवर करके पकाएंगे। हाँ जी, 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। हाँ, ये टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ये मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया भी डाला था ताकि इसकी अच्छी सी करी बन जाए। टमाटर जो हैं अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, ज़्यादातर गल चुके हैं, तो हमें इसको तेज़ आंच पे पकाना है। और उससे पहले मैं अब शामिल करूँगी इसके अंदर लेमन जूस और बाकी जो हमने काट के रखा हुआ था धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें आधी शामिल करेंगे इस वक्त और आधी बचा लेंगे हम गार्निशिंग के वक्त, आधी हम उस वक्त डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चला लें और तेज़ आंच पे पकाएं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी वाइट वाइट कढ़ाई बन रही है विदाउट एनी वाइट स्पाइसेस। अभी इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है। अभी देखें ये इसमें काफ़ी पानी है तो अभी इसको हम तेज़ आंच पे ही पकाएंगे 5 से 10 मिनट, और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। ये देखें गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और सारा पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। जी, इसको दम पे लगे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये देखें चिकन बिल्कुल तैयार है, इसका ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब जो है हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके अंदर
जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।